हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो काफी डिमांड से चल रहा था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत किस स्टूडेंट्स को आ रही है कि जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि मेरिट रैंक है 5000 और उसको एडमिशन लेना है 4000 में जो क्लोज हो रहा है उसमें। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी कंफ्यूजन है तो क्यों ना मैं पूरी लिस्ट बता दूं आपके लिए कि कौन कौन सी बेस्ट रहेगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए कॉलेजेस, कौन सी कॉलेज को आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे, कौन सी कॉलेज को आप स्किप करोगे, कहाँ पे आपको जीईसी सिलेक्ट करनी होगी। एवरीथिंग विल बी कवर इन टुडेज जस्ट एंटायर वीडियो। सो यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, वॉच दिस वीडियो एंटायरली, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सब कुछ सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे नोट बता दूं कि देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही कवर किया है, हम दूसरी और कोई कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच डिस्कस करने वाले नहीं है, लाइक नॉट आईसी, नॉट आईटी, कंप्यूटर साइंस, आईसीटी, कंप्यूटर साइंस विद एआई, बिग डेटा, डेटा इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ये कोई भी ब्रांच आज के वीडियो में कवर नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें ना तो भी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे सीएसई, आईटी, सीई और दूसरी जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच यहाँ पे ऐड कर दे तो ये वीडियो तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा कि वीडियो शॉर्ट बने, आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लिस्ट आपको दिखाऊं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने आपको एक लिस्ट बनाई है स्लाइड वाइज, यानी कि पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, इसलिए मैंने ऐसी 5-6 स्लाइड बनाई है कि जिसके अंदर सारी की सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज कवर हो जाती है, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि टॉप मेरिट कट ऑफ से लेके लोवेस्ट मेरिट कट ऑफ तक सारा मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिये सबसे पहली बात की ये जो पेज है ना, ये जो स्लाइड है, इसको मैं स्टार रैंकिंग देना चाहता हूँ, यानी कि अगर आपको ये पेज में से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा है, मिल रहा है, तो फिर आंख बंद करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे आपको एलडी में मिल रहा है तो फिर आप डीडीयू में ट्राई करें, अगर आपको यहाँ पे नीचे दूसरी कोई भी है वीजीएस में मिल रहा है तो आप एलडी में ट्राई कीजिए, डोंट गो विद दैट। अगर इनमें से कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले। यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शनल केस में ये रख रहा हूँ कि अगर आपको जीएच पटेल में मिल रहा है तो फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इनमें से कोई भी ऊपर की जितनी भी कॉलेज है उसमें अगर आपका एडमिशन हो सके तो पहले आप ट्राई इसमें कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप जीएच पटेल में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए मैं फटाफट से आपकी स्क्रीन के ऊपर तो सारी कॉलेज विजिबल है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं फटाफट से आपके सारे डाउट्स क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले है डीडीयू ग्रांटेड में 256, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस में 500 के आसपास, एलडी में है 545, यहां पे बीसीएम नहीं है, इट्स एक्चुअली बीवीएम यानी कि बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। यहां पे जो कॉलेज है वो ग्रांटेड है और मेरिट रैंक अराउंड है 720। उसके बाद आता है वीजीसी, पीडीपीयू, जीएच पटेल और जीएससी गांधीनगर। अब यहां पे मैंने कितनी 3, 6, 7 और 8 8 कॉलेज यहाँ पे आपको दिखाई है, इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब इतना अच्छा कट ऑफ नहीं होता है, काफी कम स्टूडेंट ही इन कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, तो इसीलिए मैंने काफी लंबी लिस्ट बनाई है। बट ये जो टॉपर्स है जिसका मेरिट रैंक समथिंग 2000 के आसपास है वो डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि इनमें से कोई भी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो, मतलब मिल रहा हो तो डेफिनेटली इसमें एडमिशन लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका मेरिट रैंक इन दोनों के बीच में आ रहा है तो फिर आप, अगर आपके ऊपर है कि आपको ग्रांटेड में जाना है तो फिर आप डीडीयू ले सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निर्मा या फिर DAICT ट्राई कीजिए। वंस अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे अगर आपको डीडीयू ग्रांटेड में मिल रहा है तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले निर्मा या फिर DAICT कंसिडर करें। सजेशन नंबर टू, अगर आपको एलडी कॉलेज में मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पे ट्राई कीजिए कि डीडीयू ग्रांटेड में मिल सके। मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं रहेगा कि आप डीडीयू सेल्फ फाइनेंस में जाए, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एलडी गवर्नमेंट में मिल रहा है कंप्यूटर में तो फिर आप डीडीयू ग्रांटेड में लेने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अगली बात है कि वीजीसी में मिल रहा है तो फिर आप एलडी में ट्राई कीजिए। बट यहाँ पे होगा क्या पता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिन लोगों को वीजीसी में मिल रहा है बट उसको लेना है एलडी में, तो उसका मेरिट रैंक कहाँ होगा 600 से लेके 1000 के आसपास, तो उन लोगों को इतनी दिक्कत होगी, मुझे पता है आप लोगों का दर्द कितना ज्यादा दर्द होता होगा कि जब आपका मेरिट रैंक 600 से लेके 1000 के बीच में होता है आप थोड़े से रैंकिंग के लिए एलडी में जाने से चूक गए। बट नो वरीज, मैं आपको फ्यूचर में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्लेसमेंट में आपको बैठना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आप 12 लाख का पैकेज भी इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आप अभी चिंता मत कीजिए, मेरे थोड़े से सजेशन यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। अगली लिस्ट में बताओ तो देखिए ये सारी एवरेज लेवल की कॉलेज है, यानी कि हर साल इसमें कंप्यूटर में कंपनीज आती है
बट नॉट एमएनसीज। एमएनसीज की संख्या काफी कम होती है, मोस्टली नेशनल लेवल की लोकल लेवल की कंपनी होती है। एवरेज पैकेज यहाँ पे निकलता है 4 के समथिंग। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी के मैं रेफरेंस से मतलब कोई भी यहाँ पे, ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे थॉट्स है, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर आता है चंदू भाई एस पटेल, 2400 समथिंग रैंकिंग है। दूसरे नंबर पे आता है सार्वजनिक कॉलेज, सूरत में अंदर आता है। देवांग पटेल है, चांगा में आता है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि मेरे इस फील्ड में रिसर्च एक्सपर्टाइज काफी कम है। चंदू भाई एस पटेल, देवांग पटेल, इतना पता है दोनों चांगा में आती है, दोनों कंप्यूटर के लिए काफी फेमस है। बट क्या कोई मेरे व्यूअर्स नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या एक ही कैंपस में दोनों के मतलब एक ही कैंपस में आते हैं और फैकल्टी सेम है कि डिफरेंस? सो अगर किसी को इसमें इन दोनों कॉलेज के बारे में पता है देन प्लीज डू लेट मी नो, ऑलराइट। उसके बाद आता है जीएससी भावनगर, एडी पटेल, वीवीपी कॉलेज राजकोट, एलजे कॉलेज अहमदाबाद, एसवीपीआईटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वासड़ में अंदर आती है, 4900 रैंकिंग है। अब देखिए यहाँ पे मैं मेरिट रैंक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इजीली पढ़ पाएंगे। कहना ये चाहता हूँ कि राजकोट में सिर्फ वीवीपी ही ऐसी कॉलेज है कि जिसका कंप्यूटर में कट ऑफ काफी ऊपर क्लोज होता है, यानी कि राजकोट के अंदर 6 से 7 और मेरे ख्याल से 8-10 जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके अंदर वीवीपी का मेरिट रैंक है कट ऑफ है सबसे ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको इन में से कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है मिल रहा है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, अपने हिसाब से कोडिंग सीखना होगा, एक्सपर्टीज करनी होगी, स्किल सेट अपने हिसाब से डेवलपमेंट करनी होगी, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना होगा, तो आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कैंपस प्लेसमेंट में आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी कॉलेज में इस लेवल पे इस साल के अंदर इस टाइमिंग में सारे कैंपस में अच्छी अच्छी कंप्यूटर कंपनीज आती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बढ़ता हूँ, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मैंने ली है। अब कट ऑफ कहाँ से होगा, 5000 से लेके 11000 तक, यानी मोस्टली कॉलेज इन मोस्टली स्टूडेंट्स ये सारे क्राइटेरिया में कवर होते होंगे। बट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसका ड्रीम यही होगा कि ये पहली स्लाइड या फिर दूसरी स्लाइड में कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले। नो वरीज माई फ्रेंड, यू हैव माई वर्ड्स, आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। बट अभी आप कोई भी अच्छी कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले लिस्ट स्टार्ट होगा जीईसी राजकोट से, 5100 कट ऑफ है। राजकोट में इससे ऊपर कौन सी कॉलेज क्लोज हुई थी, वीवीपी, उसके बाद कौन सी है, जीईसी राजकोट, उसके बाद है स्वामी आत्मानंद सूरत के अंदर, एलडीआरपी गांधीनगर के अंदर, सीके पीठावाला सूरत के अंदर, जीईसी मोड़ासा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च गांधीनगर, इंडस कॉलेज, इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जीईसी दाहोद और अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद। तो ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मेरे जो व्यूअर्स है वो इसी क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि उन लोगों का मेरिट रैंक समथिंग 5000 से लेके 10000 के बीच में कवर हो रहा होगा। अब देखिए ये कॉलेज में जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनीज लिखी है उसमें कंप्यूटर में तो अच्छा ही प्लेसमेंट होता है। आप कोई भी कॉलेज ले लीजिए कंप्यूटर में से तो प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा, 50-60-70% तो होता ही है क्योंकि कंप्यूटर में ऑलवेज डिमांड ज्यादा ही रहती है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पे लिस्टेड कॉलेज में से अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो फिर मैंने जैसा बोला कि आपको ज्यादा फोकस करना होगा, हो सके उतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी तभी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज लो लेवल यानी कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो आपको इजीली मिल पाएगा, बट यहाँ पे अगर आपका ड्रीम है 6 लाख का तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब ये सारी कॉलेज है सारी की सारी एवरेज लेवल की कॉलेज है, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा कर दूं, वो आता है 12000 से लेके 24000 अराउंड, मैंने काफी बड़ी यहाँ पे कॉलेजेस लिखी है। अब यहाँ पे काफी सारी कॉलेज है बट ये सारी मैं टीयर 3 कॉलेज कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें प्लेसमेंट कम रहता है, एवरेज से भी नीचे की है। अब देखिए ये मेरा पर्सनल थॉट्स है, कोई ऐसा मत सोचना कि मैंने कहने पे ऊपर आपने कोई भी अपना डिसीजन चेंज किया, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अब सबसे ऊपर है गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद पारुल यूनिवर्सिटी, जीआईडीसी नवसारी, दर्शन कॉलेज राजकोट की, साल इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद, पीपी सावाणी सूरत 18000, भगवान महावीर कॉलेज सूरत 20000, एसपीपी पटेल मेहसाणा कॉलेज और लास्ट में है अपोलो। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल फर्स्ट, यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 20000 और 25000 के आसपास कोई भी प्राइवेट कॉलेज पकड़ते हो, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ते हो, तो मेरा सजेशन आपके लिए इस पॉइंट पे ये रहेगा कि आप प्राइवेट की बजाय अपने घर के नजदीकी जो भी जीईसी है वहां पे आप जाए, क्योंकि कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कोई भी कॉलेज लो तो इसके एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पे लेके चलिए 80000
एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पे मान लीजिए कि 80,000 है, तो जीईसी में आपकी सिर्फ 1,500 होगी। अब आप यहाँ पे अपने आप ही विचार कीजिए कि कहाँ आपको साल के 1 लाख से भी ज्यादा पे करने होंगे और कहाँ आपको साल के सिर्फ 1,500 पे करने होंगे, तो आपको कितना ज्यादा पैसे में फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप कंपलसरी जीईसी में ले। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि इस लेवल पे 20,000 के मेरिट रैंक पे कोई भी प्राइवेट में जाने की बजाय अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो इट वुड बी रियली फाइन। उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छी है। मैंने खुद से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पास आउट किया है, तो इसीलिए उसमें जाना कोई भी बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट में कौन सी कॉलेज है। अब देखिए, लास्ट में मैंने लिखी है आदित्य सिल्वर ओक, क्या है लास्ट है? डेफिनेटली नोट। इसके बाद भी काफी सारी कॉलेजेस है, बट मैं वीडियो लिमिटेड टाइम में रहे इसीलिए मैं थोड़ी सी कॉलेज यहाँ पे मेंशन की है। एसएस अग्रवाल, साकरचंद पौधेल, केजे इंस्टीट्यूट, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, आदित्य सिल्वर ओक, और इसके बाद भी काफी सारी कॉलेज है, बट मैंने मोस्टली यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कॉलेज कवर की है। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपकी पिछली 3 स्लाइड में अगर आपको ऐसा हो रहा है तो फिर आप जीईसी कंसिडर कर सकते हैं। आप 25,000 पे कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग में जाए या फिर जीईसी में जाए, कोई भी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज को आपको 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 जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।